बॉलीवुड का किंग खान। तो एक है बॉलीवुड का दबंग खान, तो वहीं एक है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ये तो हर कोई जानता ही है कि इन तीनों खान्स का बॉलीवुड में डंका बजता है। अब देखिए ना, आमिर खान, शाहरुख और सलमान तीनों ही अपने अपने जॉनर में परफेक्ट हैं और अपनी फिल्मों से न सिर्फ लोगों को एंटरटेन करते हैं बल्कि अपनी फिल्मों से लोगों को कई मुद्दों को लेकर जागरूक भी करते हैं। वहीं खान्स की आने वाली फिल्में, उनके लव अफेयर्स, उनके लाइफस्टाइल के बारे में तो हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन आज सवाल ये है कि आखिर इन तीनों खान्स में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है? आखिर खान्स ट्रायो में से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? तो चलिए हमारे स्टोरी में हम आपको अपनी रिसर्च के मुताबिक और इन तीनों स्टार्स की प्रॉपर्टी, फिल्म्स, एंडोर्समेंट्स, कलेक्शन ऑफ कार्स और ऐसी कई चीजों का कंपैरिजन करके बताते हैं कि आमिर, सलमान और शाहरुख में से कौन है रिचेस्ट एक्टर। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, सलमान खान। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले तो उनके 40 साल से भी ज्यादा पुराने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बात करते हैं। इस अपार्टमेंट की कीमत 16 करोड़ बताई जाती है। बांद्रा में भी सलमान खान ने 11वें माले पर फ्लैट लिया है। ये एक लग्जरी अपार्टमेंट है और सलमान के फ्लैट की कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं हम पनवेल फार्म हाउस को कैसे भूल सकते हैं। इस फार्म हाउस का नाम अर्पिता फार्म्स है, जो उनकी छोटी बहन के नाम पर है। लगभग 150 एकड़ में फैला हुआ है। पनवेल स्थित सलमान का फार्म हाउस पार्टियां और अन्य सोशल इवेंट्स के लिए अक्सर चर्चा में रहता है। सलमान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान के कुछ सीन्स भी यहाँ पर शूट हुए हैं। सुल्तान के लिए ट्रेनिंग उन्होंने इसी जगह की थी। इसकी कीमत 80 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं गोराई बीच हॉलिडे होम एक और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 100 करोड़। ये गोराई बीच सलसेट मुंबई में है। उनकी प्रॉपर्टीज यहीं खत्म नहीं होती, साथ ही उन्होंने दुबई में बुर्ज पैसिफिक में एक अपार्टमेंट लिया हुआ है। ओवरऑल 226 करोड़। शाहरुख खान मन्नत में रहते हैं जिसकी कीमत 200 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा बॉलीवुड के किंग खान का अलीबाग में एक आलीशान फार्म हाउस भी है जिसका नाम है देजा वू फार्म, और साथ ही साथ हैं कई इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज। शाहरुख के पास दुबई में एक प्रॉपर्टी है, विला के 93 नाम की पाम जुमेरा में, जिसकी कॉस्ट 100 करोड़ है। इस आलीशान विला का नाम उन्होंने जन्नत रखा है। वहीं उनका लंदन में भी घर है, पार्क लेन में, जिसकी कीमत 172 करोड़ बताई जाती है। ओवरऑल 472 करोड़। आमिर खान फ्री डिपार्टमेंट्स में रहते हैं जो 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में है। इसकी कॉस्ट है 65 करोड़। वहीं इसके अलावा 22 घर शहबाद में जिसकी कीमत है 30 करोड़। बेवरली हिल्स यूएसए कीमत 75 करोड़। बंगलो एट पंचगनी कीमत 15 करोड़। टोटल 185 करोड़। यानी प्रॉपर्टीज के मामले में देखा जाए तो सबसे आगे शाहरुख खान। अकॉर्डिंग टू एंडोर्समेंट्स, सलमान खान। ये तो हर कोई जानता ही है कि सल्लू कई एड्स का हिस्सा आए दिन बनते ही रहते हैं। सुजुकी मोटरसाइकल्स, क्लोरमेट गम, रिलैक्सो फुटवेयर, कैंप कोला, माउंटेन ड्यू, लिम्का सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जेराई फिटनेस जैसे ब्रांड्स को एंडोर्स कर चुके हैं। वो एक एड के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इस वक्त वो इमामी लिमिटेड, इनोवेयर ब्रांड डिक्सी स्कॉट एंड सिक्योरिटी ब्रांड सीपी प्लस जैसे ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगा ही लीजिए कि सलमान खान अगर पर एड
5 से 10 करोड़ रुपए लेते होंगे तो कितने पैसे कमा लेते होंगे। शाहरुख खान, शाहरुख खान भी कई ब्रांड्स को एंडोर्स कर चुके हैं, पेप्सी, एयरटेल, नेरोलैक पेंट्स, डी डेकोर, स्प्राइट, नवरत्न कूल, ह्युंडई कार्स, टैग ह्यूअर वॉच, टाटा टी, वीडियोकॉन, वीजॉन एंड इमामी। शाहरुख पर एंडोर्समेंट अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 करोड़ रुपए लेते हैं और इस वक्त शाहरुख खान पान विलास, बिग बास्केट और डेनवर जैसे ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं। आमिर खान, आमिर खान वीवो, कोका कोला, टाइटन, सैमसंग, टाटा स्काई, स्नैपडील, गोदरेज, फोन पे जैसी कंपनीज को एंडोर्स कर चुके हैं। वहीं कुछ साल पहले जब उन्होंने स्नैपडील के साथ एसोसिएशन किया था तो हर किसी की नजरें उन पर आ चुकी थी क्योंकि आमिर सबसे कॉस्टली ब्रांड एम्बेसडर बने थे इंडिया में। मिस्टर परफेक्शनिस्ट एक एंडोर्समेंट के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इस वक्त वो सिर्फ ब्रांड वीवो को एंडोर्स कर रहे हैं। ओवरऑल इस रेस में साफ साफ सलमान खान बने विनर। According to car collections, Salman Khan, Mercedes-Benz S-Class 82 lakhs, Mercedes-Benz GL-Class 80 lakhs, Lexus LX 470 2.32 crores, BMW X6 1.15 crore, Audi RS7 1.4 crore, Toyota Land Cruiser 1.29 crores, Audi R8 2.21 crores. Bikes: Suzuki Hayabusa 15 lakh, Yamaha R1 15.6 lakh, Suzuki GSX R100Z 16 lakh, Suzuki Intruder M1800RZ 16 lakh. वहीं इसके अलावा 2016 में सलमान ने अपने ही बर्थडे पर खुद को एक प्राइवेट लग्जरी यॉट गिफ्ट में दी थी। 400K मिलियन के सेल बोट को उन्होंने अपनी पुरानी यॉट से रिप्लेस कर दिया था। सलमान खान के पास एक साइकिल भी है जिसकी कीमत 4,32,000 बताई जाती है। इस साइकिल को जॉइंट प्रोपेल 2014 XTC के नाम से जाना जाता है। आमिर खान, BMW 7 1.2 crores, Range Rover 1.74 crores, Bentley Continental Flying Spur 3.10 crore, Rolls-Royce Bulletproof 4.6 crore, Mercedes-Benz S600 11.6 crore. शाहरुख खान, Bentley Continental GT 4 crores, Rolls-Royce 2.6 crores, Bugatti Veyron, Mercedes-Benz S600 Guard 2.8 crores, Harley-Davidson Dyna Street Bob 10 lakhs, इनके अलावा Audi A6, BMW i8, BMW 7 Series, BMW 6 Series Convertible, Mitsubishi Pajero SFX, Toyota Land Cruiser Prado, Rolls-Royce Phantom Drop Head Coupe भी है और इसके अलावा कस्टम डिजाइन वैनिटी वैन भी है जो 3.8 करोड़ की है। अकॉर्डिंग टू फिल्म्स, सलमान खान अपनी करियर में सलमान ने कई फिल्में की हैं और हर एक फिल्म के लिए उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है। फोर्ब्स के अनुसार अकेले 2018 में सलमान खान ने फिल्मों में एक्टिंग से ही 37.7 मिलियन डॉलर कमाए। उस वर्ष दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्तियों की लिस्ट में सलमान 82वें नंबर पर थे। कुछ समय से वो ऐसी फिल्में कर रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करती हैं और करोड़ों रुपए कमाती हैं। वहीं सिर्फ इसके साथ साथ सलमान टीवी शोज के जरिए भी खूब कमाते हैं।
अगर वो अपनी फिल्मों की शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो वो टीवी शोज होस्ट करते हैं। बिग बॉस, 10 कदम जैसे शोज के जरिए भी वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा उनका प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम है SKF सलमान खान फिल्म्स, जिसे सलमान ने 2014 में स्टार्ट किया था। वहीं अब सलमान ने टीवी पर भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। द कपिल शर्मा शो और नच बलिए सीजन 9 के प्रोड्यूसर हैं। वहीं फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक सलमान हाईएस्ट अर्निंग इंडियन सेलिब्रिटी 2018 बने थे। शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग खान भले ही आजकल अपनी फिल्मों के जरिए कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन कमाई के मामले में उनके क्या ही कहने। उन्हें इंडिया का रिचेस्ट एक्टर कहा जा सकता है। शाहरुख सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ड्रीम्स अनलिमिटेड के जरिए भी खूब पैसे कमाते हैं। वहीं वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर भी हैं। उन्होंने ये टीम जूही चावला और उनके पति जय मेहता के साथ मिलकर ली है। उसी में उनकी 55% हिस्सेदारी है और इसकी कीमत लगभग 575 करोड़ है। अब आप ही देख लीजिए कि वो कितने अमीर हैं, कि उन्होंने तो मून पर भी जगह ले रखी है। आमिर खान, आमिर खान एक ऐसे एक्टर हैं जो भले ही एक साल में एक ही फिल्म लेकर आए, लेकिन जो भी वो फिल्म लेकर आते हैं वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर ही साबित होती है। थ्री इडियट, दंगल, गजनी जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले आमिर खान न सिर्फ अपनी फिल्मों से बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट प्रोडक्शन हाउस के जरिए भी खूब पैसे कमा लेते हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस तले कई फिल्में बनाई हैं। वहीं वो सत्यमेव जयते जैसे टीवी शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं। नेटवर्थ, सलमान खान $320 मिलियन, शाहरुख खान $600 मिलियन, आमिर खान $205 मिलियन। अब अगर भाई किसी एक्टर ने मून पर जगह ले रखी होगी तो विनर तो आपके सामने है ही। तो हमारी पूरी रिसर्च के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि शाहरुख खान ही तीनों खान्स यानी कि सलमान खान और आमिर खान से ज्यादा अमीर हैं।